हरियाली आपको दिखाई दिया, और इस तरह से ये क्या बोलते हैं, आसमानों का नज़ारा भी कुछ इस तरह से होता रहता है हमारा यहाँ पे। तो आप लोगों का जगह का कमेंट कर देना, मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा वहीं पे। तो हेलो वेलकम गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज जा रहा हूँ अपने खेतों में, क्योंकि आज बारिश हुआ था दो तीन दिन हुआ था। तो हमारा खेतों में काफ़ी काला पानी घुस चुका होगा, नदी से काला पानी आया था ना। तो अभी नया नया धान भी निकल रहा है, तो देखेंगे क्या कुछ होगा खेतों में। तो काला पानी को छेकना है, नहीं लगाना है। तो देखते हैं खेतों में जाके क्या कुछ होता है। वीडियो में अंत तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। ये हमारा खेत है, हम पहुंच ही चुके ऑलमोस्ट ये सबसे नीचे का पार्ट से। तो हम जाएंगे सीधा ऊपर की तरफ, ऊपर में पानी लगाने का जगह है, वहाँ से पानी इधर घुसता है। तो वहाँ पे पहले बंद करेंगे, उसके बाद में ऐसे ऐसे खेत को देखते आएंगे। ये तो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, आगे सबसे टॉप में है। तो अभी हम पहुंचने वाले, जल्दी जल्दी जाते हैं, पानी आया है बहुत काला। तो इधर भी देख सकते हैं हरियाली यहाँ पे, ये दूसरा लोगों का है, हमारा नहीं है, ये हमारा है। ये सुंदर सुंदर खेत, यहाँ पे अभी धान हो रहा है, छोटा छोटा सा नया नया निकल रहा है, ये आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले अभी हम जाते हैं जल्दी से, और ये दूसरे लोगों का है, उन लोगों का भी हो रहा है, हमारा जितना नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पहले लगाया था, इसीलिए हमारा जल्दी हो गया। तो जल्दी पकता है, तो आप लोगों को तो मालूम है, वो तो जो जल्दी लगाता है उसी का जल्दी होता है। तो यहाँ का पानी कुछ इस तरह से काला है, और ये हमारे खेतों में जाने का रास्ता है, यहाँ से भी नहीं जाएंगे हम, और ऊपर से है, और ऊपर से हमारा जाने का रास्ता। तो जल्दी से जा लेते हैं वहाँ पर। तो अभी हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारे खेत में पानी घुसने वाले जगह है ये, यहाँ पे पाइप है, पाइप से इधर पानी निकलता है, वहाँ से होके नीचे तरफ जाता है। तो पानी इस तरह से कुछ काला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी इतना काला है पानी। तो आप, अभी हम जाने वाले हैं अंदर, तो अभी इधर में आ चुके हैं हम। पानी का ये रहा, पाइप यहाँ से आता है, पानी इधर से। अभी पानी तो फिलहाल अभी बंद है, काला ना काला है, इसलिए पिताजी ने शायद बंद कर दिया होगा। और यहाँ से हमारा खेत दिखता है कुछ इस तरह से, ये है हमारा खेत, देख सकते हो पूरा नीचे तक है खेत हमारा, वहाँ तक वो घर के सामने। तो इतना है खेत, और यहाँ से पानी, और ये हमारा बच्चा कुछ मिट्टी है वहाँ तक है, ये तामुल का पेड़ वेड़ लगाया हुआ है। तो आपको दिखाएंगे आज हम धान, जो नया धान निकल रहा है ना, तो हम आपको धान दिखाएंगे। इसको यहीं पे रख देते हैं अभी, तो चलते हैं आगे। ये नया नया धान, इसके अंदर अभी पानी नहीं है, सूख चुका है, कितना दिन से नहीं लगाया। ये नया धान निकल रहा है, ये है नया धान निकल रहा है, नया नया निकल रहा है, कम से कम निकल रहा है, पूरा नहीं निकला है अभी तक, छोटा छोटा करके निकल रहा है। तो अभी हम धानों के बीच जा रहे हैं, हम्म।
तो यहाँ के इस वाले खेत में पानी है थोड़ा थोड़ा, तो घास वास भी ज़्यादा हो चुका है, और ये ऊपर वाला इसमें पानी सूख चुका है पूरा, इधर से इधर जाता है ना, तो इधर से इधर जाता है, इसको भी बनाना पड़ता है। इसको बनाने में तो काफ़ी मेहनत होता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक हुआ है। खेत थोड़ा इस तरह से है ना, तो उधर ऊँचा है, इधर में थोड़ा डाउन डाउन का साइड है ना, इसीलिए यहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, उधर में कम रहता है। तो पानी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद में यहाँ से नीचे करके नीचे नीचे तरफ जाता है। तो अभी हमने आपको दिखा दिया धान का खेती, ये नया नया निकला हुआ, ये यहाँ पे भी निकल रहा है छोटा छोटा करके, छोटा छोटा करके धीरे धीरे करके पूरा निकल जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। उसके बाद में ज़्यादा होने के बाद अभी एक महीने बाद में पूरा पक जाएगा। पकने के बाद तो आप लोगों को वीडियो तो कंटिन्यू दिखाते रहेंगे, सपोर्ट करते रहना चैनल में एंड। और अभी यही नहीं, मैं अभी ट्रैवल का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी इस महीने के बाद दूसरा महीने दिसंबर में तो मैं अभी दार्जिलिंग का ट्रैवल करने वाला हूँ। दार्जिलिंग तक जाएंगे, आप लोगों को वीडियो दिखाते रहेंगे, आप लोग चैनल में बने रहना। तो अभी हम यहाँ पे रेस्ट करने का जगह हमारा ये, जब भी हम खेतों में काम करते हैं तो यहाँ पे रेस्ट करते हैं, पानी सामने है और यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो इधर का ये खेत और ये इधर का खेत, और आप लोग कहाँ से हो बता सकते हो, आप लोगों के वहाँ पे खेतों का धानों का खेती होता है कि नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। हमारा है ये आसाम नॉर्थ ईस्ट, आप लोग कहाँ से हो कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी हम आ चुके हैं लास्ट की तरफ, यहाँ से हमारा खेत कैसा दिखता है सीन तो आपको अभी दिखा देंगे यहाँ से। तो ये रहा कैमरा, ইয়াতে পথাৰত এই আমাৰ খেতো আমি নিকল কে আ চুকে হে আমি ঘৰ কে তৰফ যায়গে ঘৰ মে কাম কৰেগে বগেৰা বগেৰা ইয়ে আমাৰ ৰাস্তা হে और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा खेतों का नज़ारा दिखाएंगे, आपको दिखा दिया सीन, दिखा दिया कैसे धान निकल रहे हैं नया नया, वो भी आपको दिखा दिया। और आप लोग कहाँ से हो कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोगों का वहाँ पे खेत होता है कि नहीं होता है, धान होता है कि नहीं होता है। हमारा यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त होता है, हरियाली आपको दिखा ही दिया, और इस तरह से ये क्या बोलता है आसमानों का नज़ारा भी इस तरह से होता रहता है हमारा यहाँ पे। तो आप लोगों का जगह का कमेंट कर देना, मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा वहीं पर, तो वीडियो एंड तक देखना, और उसके बाद हो सके तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना और सपोर्ट करते रहना, और हो सके तो एक शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मज़ेदार वीडियो आने वाला है अगले वाला, तो मिलते हैं आगे।